नमस्कार दोस्तों, हम आपको सुनाने वाले हैं कहानी। तो चलिए शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनोज दे। दोस्तों, मनोज दे जो झारखंड राज्य के एक छोटे से गांव में रहते हैं, जिनके पिताजी साइकिल की पंचर बनाया करते थे, जिनसे वो मात्र 250 रुपए कमाया करते थे। मनोज भाई के पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बातों से बहुत अच्छे थे। मनोज भाई को उसी समय समझ में आ चुका था जब लोग उनके पिताजी के बातों को नकारा करते थे। वो उसी समय जान चुके थे कि पैसा ना हो तो इंसान की क्या अहमियत होती है। तो मनोज जी का जन्म धनबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कच्चे मकान में रहा करते थे। उनका घर इतना खराब स्थिति में था कि बरसात के दिनों में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसी छोटे से घर में वो लोग अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। पापा तो साइकिल पंचर बनाने का काम किया करते थे, तो मनोज को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा सके। मनोज दे सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन वहाँ तो पढ़ाई ना के बराबर ही होती थी। पापा ने समझाया कि पढ़ाई करके ही तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। भाई ने पढ़ाई में ध्यान दिया कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मनोज जी के पिताजी का सपना था कि मनोज सरकारी नौकरी में हो। भाई ने 10th की पढ़ाई अच्छे नंबर से निकाली। इसी खुशी में जैसे तैसे करके पापा ने मनोज के लिए एक कंप्यूटर लिया। भाई की इंटर की बात आई तो गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट किया। अब बात आती है भाई को करना क्या है। मनोज भाई को डिप्लोमा करना था, लेकिन पैसों की परेशानी थी। पापा ने कहा ITI कर लो, लेकिन वहां भी 15,000 की एडमिशन थी। भाई को अपनी कंप्यूटर बेचनी पड़ी। इधर उधर से पैसे इकट्ठा कर ITI में एडमिशन लिया। भाई ने अपना खर्चा निकालने के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू की, जिससे मिले पैसे में भाई कॉलेज जाया करते थे। किसी तरह मनोज भाई ने ITI पूरी की। अब घर से प्रेशर आने लगा कि कुछ काम किया करो। भाई 10,000 की नौकरी के लिए झारखंड से गुजरात निकल पड़े। भाई जब कंपनी में पहुंचे तो वहां के बड़े बड़े मशीन, गर्मी इतनी ज्यादा थी, यह भाई को समझ में आ गया कि यह भाई के लिए मुश्किल है। भाई वहां 2-3 दिन काम करके घर लौट गए और घर आने के बाद साइबर कैफे ज्वाइन कर ली। वहां से महीने की भाई को 900 से 1,000 रुपए ही मिल पाते थे और ट्यूशन से 1,000 भाई महीने के 2,000 रुपए कमा लेते थे। साथ ही साथ भाई सरकारी नौकरी की तैयारी भी करने लगे। मजबूरी में भाई ने घर की परेशानियों को देखते हुए यह भी किया। भाई के पास एक दिन वीडियो आता है, YouTube से पैसा कैसे कमा सकते हैं। भाई ने यह वीडियो देखा। उस टाइम YouTube पर ज्यादा नियम नहीं था, अगर विवाह तो ऐड आना शुरू हो जाता था। भाई ने एक चैनल म्यूजिक में बनाए, लेकिन 6-7 महीने काम करने पर भी चैनल की कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई। 30 का 30 सब्सक्राइबर थे। भाई ने दूसरा चैनल कॉमेडी का बनाया, उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। भाई ने सोचा कि YouTube से कैसे ग्रो करेगा। भाई को इंटरेस्ट था मोबाइल गैजेट में। भाई फाइनली सोचने के बाद एक टेक चैनल शुरू किया, टेक्निकल मनोज, और वीडियो अपलोड करना शुरू किया। चैनल में थोड़ा ग्रो होने लगा, लेकिन घर से प्रेशर आना शुरू हो गया सरकारी नौकरी का। लेकिन भाई को ये भी सुनना पड़ा कि यूट्यूब से कुछ नहीं हो सकता। जैसे तैसे भाई ने घर में मनाया ही था कि भाई का एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है। अब भाई की परेशानी शुरू होती है। मनोज भाई 1.5 महीने तक डिप्रेशन में चले गए। भाई डिमोटिवेट हो गए, लेकिन भाई ने हार नहीं मानी और थोड़ा टाइम यूट्यूब को और दिया। दूसरा चैनल बनाया, जो कि आज हम सभी के सामने है, जो मनोज दे नाम से आज यूट्यूब में फेमस है। मनोज भाई इसी में ही काम करते रहे। परेशानियां थी, लेकिन भाई ने अंतिम परिस्थिति तक हार नहीं मानी और कंटिन्यू वीडियो फोन से अपलोड करना शुरू किया। भाई दूसरों के घरों के सीढ़ियों में और जंगलों में जाकर वीडियो बनाया करते थे। फाइनली भाई का चैनल मोनेटाइज हो ही जाता है और यूट्यूब से पहला पेमेंट 14,000 रुपए आता है। सब बहुत खुश होते हैं। भाई का चैनल चलने लगा। भाई ने घर बनाया, कार खरीदा, सभी चीजें हासिल की और पिताजी का नाम भी रोशन किया। तो दोस्तों, यह थी भाई मनोज जी की कहानी, जिनको आज YouTube के द्वारा हर कोई जानता है। भाई जो भी मिला है करते रहिए, हार ना माने। मिलते हैं ऐसे ही नई स्टोरी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।